20 रुपये दे दे 2 किलो। नमस्कार दोस्तों, सीता फूड रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने सिंघाड़ा लिया हुआ है, अभी बेचने आए थे भैया जी, तो आज मैं आपको इसी का रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। तो प्लीज मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ, तो सबसे पहले मैं सिंघाड़े को धो लेती हूँ। सिंघाड़े को मैं 2 बार पानी से धोऊंगी ताकि अच्छे से साफ हो जाए। भगोना मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, अब मैं इसमें सिंघाड़े डाल दूंगी। तो अब हम इसे उबाल लेंगे। पानी हमें उतना डालना है ताकि सिंघाड़ा अच्छे से पानी में डूब जाए। तो अब हम इसे 20 मिनट के लिए उबलने देंगे, इसे ढक्कन से हम ढक देंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं सिंघाड़ा हमारा अच्छे से हुआ है कि नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं सिंघाड़ा हमारा अच्छे से उबला है कि नहीं। तो सिंघाड़ा हमारा उबल चुका है, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और सिंघाड़े को हम दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। तो आज मैं जो सिंघाड़े की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ, बिल्कुल नए तरीके की है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो प्लीज इसे आप भी घर पर बनाकर खाएं। ये आजकल के ही मौसम में मिलता है सिंघाड़ा, ठंड के मौसम में इसे और बाद में भी आप नहीं पा सकते, तो इसकी रेसिपी आजकल ही बनाई जाती है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तब से मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। तो मसालों में मैंने लिया है जीरा 1 चम्मच, गरम मसाला ये भी 1 चम्मच लिया है मैंने, हल्दी पाउडर इसे भी मैंने 1 चम्मच लिया है, लाल मिर्च का पाउडर इसे मैंने 1/2 चम्मच ली है, आम कूट पाउडर इसे भी मैंने 1/2 चम्मच लिया है, हल्दी पाउडर इसे ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है, और हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 प्याज, इसका मैं पेस्ट बना लूंगी। और यहाँ पे मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, लहसुन की कलियां ली है मैंने 7-8, हरा धनिया लिया है मैंने और तेज पत्ता लिया है मैंने तड़का देने के लिए। और यहाँ पे ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मैंने मलाई ली है। और इन सभी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया हुआ है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लहसुन, मिर्च और अदरक का हम पेस्ट बना लेंगे और इस प्याज का हम अलग पेस्ट बनाएंगे। मेरा ठंडा हो चुका है, छीलने लायक हो चुका है। चाकू लेकर हम इसका एक कोना इस तरह काटेंगे और हाथों से हम इस तरह सिंघाड़े को निकाल लेंगे। इसी तरह हम
सिंघाड़े में दूसरा भी सिंघाड़ा निकालूंगी। तो कढ़ाई हमने चूल्हे चढ़ा दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी तेल। तेल थोड़ा हमें ज्यादा ही डालना है क्योंकि हम सिंघाड़े को भी फ्राई करेंगे, तो तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। और तेल मैंने सरसों का लिया हुआ है, सरसों का तेल खाने में बहुत ही अच्छा होता है, हम सब्जी में अक्सर सरसों का तेल ही यूज करते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सिंघाड़े डालकर फ्राई कर लेंगे। इसे हम चलाते हुए तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से इसकी सब्जी और अच्छी आती है। तो सिंघाड़ा अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये तल चुके हैं अच्छे से। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी। तो इसी तरह हम और बाकी सिंघाड़े को छान कर बाहर निकालेंगे। तो ये सिंघाड़े भी मेरे अच्छे से तल चुके हैं, अब मैं इसे भी मैं निकालूंगी तेल से बाहर। तो तेल को मैंने थोड़ा कम कर लिया है और अब इसमें हम डालेंगे जीरा। तो जीरा मेरा चटकने लगा है, अब मैं डालूंगी इसमें प्याज, प्याज का पेस्ट। इसे मैं 5 मिनट तक तेल में भूनूंगी। तो प्याज का पेस्ट मेरा अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च। इन सभी मसालों को मैं अच्छे से भून लूंगी। तो अब हम अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, इसे भी मैं अच्छे से भून लूंगी। तो मसाले मेरे अच्छे से हो चुके हैं, अब मैं जो मैंने सिंघाड़ा फ्राई करके रखा हुआ था अब मैं इसे भी डाल दूंगी। और सिंघाड़े को और मसाले को अच्छी तरह से मैं चलाते हुए भून लूंगी। तो मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब मैं डाल दूंगी इसमें स्वाद अनुसार नमक। और अब मैं इसमें डालूंगी अमकुट पाउडर और इन सभी चीजों को मैं एक बार फिर अच्छे से मिला लूंगी। और अब मैं डाल दूंगी ये जो मैंने मलाई ली हुई है, अब मैं इसे डाल दूंगी। तो सारे चीज अच्छे से मैं मिला चुकी हूँ। तो अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी, आप चाहे तो इसमें पानी ज्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है,
एकदम पनीर की तरह महक रहा है ये, इसकी खुशबू आ रही है। तो अब मैं धनिया ऊपर से डाल दूंगी, इसे भी मैं अच्छी तरह खिलाते हुए मैं पका लूंगी। तो सब्जी मेरी ये अच्छी तरह से पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, तो इसके लिए हम 2 मिनट के लिए एक बर्तन से हम ढक देंगे। अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। तो देखिए सब्जी मेरी कितनी अच्छी पकी हुई है। तो सिंघाड़े की सब्जी मेरी बनकर तैयार है। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसे एक बर्तन में बाहर निकालूंगी। तो आज की ये सिंघाड़े की मसालेदार सब्जी मेरी बनकर तैयार है। और अगर दोस्तों आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।